दोस्तों आज मैं रेसिडेंट इविल वेलकम टू रकोन सिटी जो 2021 की मूवी है उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने क्लासिक रेसिडेंट इविल सीरीज को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लेना। लेकिन ये मूवी रेसिडेंट इविल का रिबूट है और ये मूवी रेसिडेंट इविल के गेम पर ही बेस्ड है। खैर अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और 1980 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक अनाथ आश्रम में दो भाई बहन को दिखाया जाता है, उनमें से लड़की का नाम क्लेयर होता है। रात में वो अभी तक सोई नहीं थी, तभी उसे वहाँ के कमरे में एक लड़की दिखाई देती जिसका चेहरा देखने में बहुत डरावना होता है। वो लड़की क्लेयर से बात करने लगती है, क्लेयर उसे मिलने के बाद भी नहीं डरती। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब क्लेयर का भाई क्रिस जाग जाता है और उसे सोने को कहता है, लेकिन क्लेयर उससे कहती है कि वो लड़की फिर से उसे मिलने यहाँ आई थी। तब क्रिस उससे कहता है कि तुमने कुछ नहीं देखा और इस पर ध्यान मत दो। क्रिस के सो जाने के बाद अब क्लेयर वहाँ से बाहर आती है और उस लड़की के पीछे जाने लगती है। वो लड़की एक कमरे में एक टेंट में होती है। फिर क्लेयर उस लड़की से बात करने लगती है। वो लड़की क्लेयर को अपना नाम दिखाती है। क्लेयर देखती है कि उसका नाम लीजा है। उसकी कंडीशन देखकर लग रहा था कि कुछ टाइम पहले उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इस वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह खराब हो गई है। इसके बाद क्लेयर उसे पूछती है कि वो कहाँ रहती है और उसका घर कहाँ है। फिर लीजा उसे पेज पर कुछ लिखकर देती है, उस पर लिखा था कि बेलो, यानी वो नीचे रहती है। खैर क्लेयर उस टेंट के अंदर जाने लगती है, उसे वहाँ एक डॉल दिखाई देती है। तभी पीछे से डॉक्टर विलियम आकर उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वहाँ क्रिस आता है और विलियम से कहता है कि पेरेंट्स के गुजरने के बाद से क्लेयर को नींद में चलने की बीमारी है। फिर विलियम उन दोनों को सोने के लिए भेज देता है और क्रिस से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम क्लेयर का ख्याल रख रहे हो। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर विलियम ने ही लीजा पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपनी एक प्राइवेट लैब चलाता है और वो अपनी एक्सपेरिमेंट का शिकार अनाथ बच्चों को बनाता है। खैर वो अब दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ फिर से लीजा आती है और क्लेयर की तरफ बढ़ने लगती है और उसे पकड़ लेती है। क्लेयर चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लेयर अब बड़ी हो गई है और ये सब वो अपने ख्याल में देख रही थी। वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर रकून सिटी जा रही थी। ये साल 1998 का था। क्लेयर सिटी में अपने भाई से मिलने जा रही थी क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो अपने भाई से नहीं मिली थी। ट्रक ड्राइवर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तभी अचानक उसके ट्रक के आगे एक लड़की आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने ट्रक को रोकता है और दोनों काफी घबरा रहे थे। फिर वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उसे देखने लगती हैं। उन्हें लग रहा था कि वो लड़की काफी जख्मी हो गई है। ड्राइवर उससे कहने लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो अचानक से उसके ट्रक के आगे आई है। क्लेयर उससे कहते कि हमें इसे लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे होते कि अचानक वो लड़की उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ समझ पाते हैं कि वो लड़की एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी थी। ड्राइवर का एक डॉग भी होता है। वो ट्रक से बाहर आता है और रोड पर पड़ा हुआ खून चाटने लगता है। इसके बाद क्लेयर उससे कहते कि हमें उस लड़की को ढूंढना होगा, लेकिन ड्राइवर कहते कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर क्लेयर उसकी बात मान लेती है और उसके साथ आगे जाने लगती है। हमें पता चलता है कि रकून सिटी में अब हर जगह किसी वायरस ने आतंक मचा रखा है। वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और जो लोग अमीर हैं वो ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं वो यहीं पर बचे हुए हैं और खुद को सेफ रख रहे हैं। अगले सीन में हम एक लड़के लियोन को देखते हैं जिसने अपनी नई पुलिस की जॉब शुरू की है। उसकी नाइट ड्यूटी होती है जिस वजह से वो भी सो रहा होता है, लेकिन उसके साथ के ऑफिसर उसे सोने नहीं देते और उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। वो सब उसका काफी मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि लियोन ने अपनी पुलिस की ट्रेनिंग में एक दूसरे ऑफिसर के पीछे गोली मार दी थी। वो सब एक कैफे में होते हैं। खैर वो सब पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। एक लेडी ऑफिसर जिल उसे कहती कि वो उनकी मजाक की बातों पर ध्यान ना दे। तभी लियोन उस कैफे की लेडी की आंखों की तरफ देखने लगता है जिनमें से खून निकल रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसकी आंखों में क्या हो रहा है, लेकिन उसने अभी तक डॉक्टर को नहीं बताया था। उसे लग रहा था कि शायद ये खून निकलना खुद ही बंद हो जाएगा। तभी उसके कैफे के आगे आकर एक कौवा गिर जाता है, लेकिन वो उसे देखकर इग्नोर कर देती है। वो कौवा भी वायरस से इन्फेक्टेड था। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर क्लेयर को उसके भाई के घर ड्रॉप कर देता है। यहाँ वो देखता है कि उसके डॉग भी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है क्योंकि उसने एक ज़ॉम्बी का खून चाटा था। उस डॉग की आंखें भी पूरी तरह बदल गई थीं। तभी वो ड्राइवर के हाथ पर काट लेता है। अब उस डॉग ने ड्राइवर को भी इन्फेक्टेड कर दिया था। इधर क्लेयर को घर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता। वो घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद होता है। इस वजह से वो घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगती है। उसके भाई के घर के पास एक और घर होता है। उस घर से एक लड़का और उसकी मॉम क्लेयर को अजीब तरह से देख रही थी। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि उस लड़के की मॉम के सर पर बहुत कम बाल थे।
थे। वो क्लियर को देखकर अपने घर के पर्दे फेर लेती हैं। खैर क्लियर उन्हें इग्नोर करके एक चाकू से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आ जाती है। वहाँ वो एक फोटो को देखती है। अब उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर बन गया था। तभी यहाँ उसका भाई क्रिस आता है जो कि नहा रहा था, जिस वजह से उसने घर का दरवाजा नहीं खोला था। क्रिस उससे पूछता कि वो अंदर कैसे आई, जिस पर वो बता देती है कि वो पीछे का ताला तोड़ के अंदर आई। क्रिस क्लियर से नाराज था क्योंकि वो 5 साल पहले अपने भाई को छोड़कर चली गई थी और उसने तब से उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। फिर क्लियर उससे माफी मांगती और कहती है कि मुझे लगता है कि इस शहर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। फिर वो बताती है कि एक लड़की उनके ट्रक के सामने आकर ठुक गई, लेकिन वो अचानक से उठी और चलने लगी। क्रिस कहता है कि तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अब क्लियर इसके बाद उसे एक वीडियो दिखाने लगती है जो उसे इंटरनेट से मिली थी। उस वीडियो में एक आदमी बताता है कि रकून सिटी के पानी में किसी ने कुछ मिला दिया है और कुछ लोग इस शहर को तबाह करना चाहते हैं। क्रिस को उस वीडियो पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि उसके पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है। फिर क्रिस अपनी ड्यूटी पर जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो अपनी बेटी के अचानक नींद में डर जाने की वजह से उसे देखने जाता है। उसकी बेटी बताती है कि उसने सपने में एक मॉन्स्टर देखा। फिर विलियम उसे शांत कराता है। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। विलियम फोन उठाता है और कॉल के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ और बेटी से जल्दी से यहाँ से निकल जाने को कहता है। दूसरी तरफ शहर में भी रेड अलर्ट जारी हो गया था और सबको अपने घर रहने को कहा जाता है। क्रिस ये अलर्ट सुनकर कहता है कि उसे जल्दी से स्टेशन जाना होगा। फिर वो क्लियर को कुछ पैसे दे देता है। साथ ही वो कहता है कि वो घर में ही रहे और उसकी बाइक को हाथ ना लगाए। अब क्रिस अपनी कार लेकर स्टेशन की तरफ जाने लगता है। क्लियर अंदर आती और देखती है कि उसके पड़ोस वाली औरत खून से खिड़की पर कुछ लिख रही है। इसी बीच क्लियर के घर उस औरत का लड़का आकर छिप जाता है। क्लियर कह दे कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। अब वो लड़का कहता है कि मदद की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। तभी वो औरत घर के अंदर आकर क्लियर पर अटैक करने लगती है, लेकिन किसी तरह क्लियर उससे बचकर अपने भाई की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अपने ही चेहरे को नोच रही है। हम समझ पाते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। अगले सीन में क्रिस अपने साथियों के साथ अलर्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उनका चीफ आता है और बताता है कि अम्ब्रेला कंपनी में एक लांस के इन्वेस्टिगेशन में उनकी एक ब्रेवो टीम वहाँ गई थी, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला और न ही उनसे कॉन्टेक्ट हो पा रहा है। चीफ उन सबसे कहता है कि वो जल्दी से वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएं। चीफ को भी रेड अलर्ट के बारे में पता नहीं होता कि वो क्यों बज रहा है। फिर वो सब तैयार होने लगते हैं। इसी बीच उनके टीम मेंबर एल्बर्ट को उसके लॉकर में एक डिवाइस मिलती है जिसमें मैसेज में लिखा था कि कल सुबह 6 बजे रकून सिटी तबाह हो जाएगी। यानी कि ये एल्बर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। उसके अलावा टीम का कोई भी मेंबर इस चीज के बारे में नहीं जानता था। खैर वो सब लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। इधर विलियम अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से शहर के बाहर जाने लगता है। तभी उसकी कार के सामने क्लियर आती है और उसे रोक लेती है। अब हमें तब का टाइम दिखाया जाता है जब विलियम अपने एक्सपेरिमेंट में क्लियर को यूज करने के लिए ले जा रहा था। प्रेजेंट में विलियम अपनी कार को साइड करके वहाँ से निकल जाता है। फिर क्लियर को उसी कैफे की लड़की दिखाई देती है जो अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई थी। उस बस ड्राइवर पर भी वायरस का असर पूरी तरह हो गया था। वो अपने ट्रक को तेजी से चलाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाकर ठोक देता है। सब तरफ आग जलने लगती है और वो खुद ही जलता हुआ स्टेशन में अंदर आने लगता है। लियोन उसे देखकर डरने लगता है। तभी चीफ वहाँ आता है और उस बस ड्राइवर को शूट करके मार देता है। अब चीफ यहाँ लियोन से कहता है कि दरवाजे को बंद कर दे क्योंकि इसके जैसे और भी होंगे। लियोन पहले तो उस आदमी की आग बुझाता है और बाद में गेट को लॉक कर देता है। फिर वो चीफ से पूछने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है। चीफ बताता है कि शहर के सारे फोन्स बंद हैं। चीफ उसे बिना कुछ बताए यहाँ से जाने लगता है। लियोन कहता है कि वो यहाँ अकेला कुछ भी नहीं संभाल पाएगा क्योंकि उसने आज ही अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन की थी। लेकिन चीफ उसे वहाँ अकेला छोड़कर अपना सामान लेकर जाने लगता है। इधर पुलिस ऑफिसर की टीम हेलीकॉप्टर से लोकेशन पर पहुँच जाती है। वहाँ उन्हें ब्रावो टीम की गाड़ी बहुत बुरी कंडीशन में मिलती है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी कौवा आ जाता है। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। तभी जिल उसे शूट करके मार देती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मैंसन दिखाई देता है। सब काफी सावधानी के साथ अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चीफ कार को लेकर शहर के बॉर्डर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां आर्मी मौजूद होती है और आर्मी वाले किसी को भी शहर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो चीफ से शहर में वापस जाने को कहते हैं। जब वो कार को वापस नहीं घुमाता तो वो कार पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद चीफ किसी तरह से बचकर वहां से वापस आ जाता है। अब रात के 1:50 हुए थे। चीफ वापस से पुलिस स्टेशन आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेशन के गेट पर ज़ॉम्बी आने शुरू हो गए हैं। जब वो अपनी कार को पार्किंग में लगा रहा होता है तभी वहाँ ट्रक ड्राइवर का डॉग आ जाता है जो पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। वो डॉग देखने में काफी डरावना लग रहा था और उसका आधा शरीर भी जला हुआ था। वो डॉग चीफ पर अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ क्लियर आ जाती है और एक सिलेंडर की मदद से उस डॉग को मार देती है।
और वो चीफ को बचा लेती है। अब क्लेयर अपने भाई के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर चीफ बताता है कि क्रिस बाकी की टीम के साथ दूसरी टीम को रेस्क्यू करने गया है। अब क्लेयर चीफ से कहती है कि हमें बहुत सारे हथियार और गन्स चाहिए। इस पर चीफ कहता है कि सारे हथियार नीचे बेसमेंट में रखे हैं। अब लियोन उनसे बार बार पूछने लगता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। तब चीफ कहता है कि शायद शहर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इधर क्रिस अपनी टीम के साथ वहाँ छानबीन करने लगता है। तभी वो देखते हैं कि एक डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गया है और वो उनकी ब्रेवो टीम के एक साथी को खा रहा है। एल्बर्ट उससे सरेंडर करने को कहता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद एल्बर्ट उसे शूट कर देता है लेकिन गोली का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो उसके सर में गोली मार देता है जिससे वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। इसी बीच उनका एक साथी हेलीकॉप्टर में बैठा होता है, तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और उसे इन्फेक्टेड कर देता है। घर के अंदर एल्बर्ट और जिल एक साथ होते हैं। एल्बर्ट के पास अभी भी वो डिवाइस होता है। उसी डिवाइस में लिखा था कि तुम्हें घर के पियानो को बजाना है। वो ऐसा ही करता है। तभी वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हेलीकॉप्टर का ड्राइवर जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था, वो हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है और वो उसे घर के मैंसन में लाकर क्रैश कर देता है। लेकिन जिल एल्बर्ट को वहाँ से बाल बाल बचा लेती है। दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथियों पर बहुत से ज़ॉम्बी जाकर अटैक करने लगते हैं। अब रात के 2:29 हो गए थे। स्टेशन के बेसमेंट से क्लेयर कुछ गन्स ले लेती है। इस स्टेशन में उस आदमी को पकड़ कर रखा गया था जिसे पता था कि इस शहर के पानी में वायरस है। वो लियोन से कहता है कि वो उसे जल्दी से लॉकअप से बाहर कर दे। तभी वो आदमी लियोन से उसकी गन छीन लेता है और गेट को खोलने को कहता है। वो आदमी कहता है कि अम्ब्रेला कंपनी ने उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने ही इस जी वायरस को बनाया है और उसी जी वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस वायरस को विलियम ने ही खोजा था। खैर अब लियोन लॉकअप का दरवाजा खोलता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक और आदमी है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया है। वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर अटैक कर देता है। अब वो ज़ॉम्बी लियोन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी क्लेयर वहां आ जाती है और उसे शूट कर देती है। क्लेयर उस आदमी को मरा देखकर दुखी होती है क्योंकि वही इस वायरस के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अब क्लेयर लियोन से कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो गन चलाना सीखना होगा। तभी वो ज़ॉम्बी फिर से उठ जाता है लेकिन इस बार लियोन उस पर फायरिंग करके उसे मार देता है। इधर एल्बर्ट उस सीक्रेट रास्ते में जाने लगता है। जिल उससे पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। फिर एल्बर्ट बताता है कि उसे कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके बदले में वो लोगों से बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन एल्बर्ट को उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता होता। आगे वो बताता है कि वो लोग बस चाहते हैं जो अम्ब्रेला कंपनी में चल रहा है उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। तभी वहाँ उनका एक साथी आता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। एल्बर्ट उसे शूट करके मार देता है। एल्बर्ट कहता है कि वो इस घटिया नौकरी को नहीं करना चाहता। हम देख पाते हैं कि वो अब लालच में अंधा हो गया है। खैर जिल उससे कहती है कि हमें अपने साथियों के पास जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस रास्ते में जाने लगता है। दूसरी तरफ स्टेशन के बाहर ज़ॉम्बीज लगातार गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बीज उस गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों किसी तरह वहाँ से बचते हुए उसी अनाथ आश्रम में आ जाते हैं जहाँ बचपन में क्लेयर को रखा गया था। उसके अंदर आने पर लियोन को लीजा दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जिसे क्लेयर ने बचपन में देखा था। अब लीजा लियोन से चुप रहने को कहती है और ऊपर की तरफ इशारा करती है। तभी लियोन क्लेयर और चीफ को बुलाने लगता है। इसी बीच लीजा वहाँ से चली जाती है। लियोन कहता है कि उसने अभी यहाँ एक औरत को देखा था। तभी एक क्रीचर चीफ को ऊपर खींच लेता है और उसे खाने के बाद नीचे फेंक देता है। वो क्रीचर वहाँ आ जाता है। क्लेयर और लियोन ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर भी वहाँ आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वो क्रीचर काफी भयानक और खतरनाक था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। इस क्रीचर की जीभ काफी ज्यादा लंबी थी और उसी की मदद से ही उसने चीफ को ऊपर खींचा था। अब वो क्रीचर उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ लीजा आ जाती है और उस क्रीचर से लड़ने लगती है। लीजा उस क्रीचर का मुंह चीर देती है जिससे वो क्रीचर मारा जाता है। अब क्लेयर लीजा को पहचान लेती है और उससे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछने लगती है। क्लेयर यहाँ अपने बचपन की मेमोरीज भी याद करने लगती है। इसमें डॉक्टर उसे जबरन पकड़कर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे थे, लेकिन वो उनसे किसी तरह बचकर अपने भाई के साथ वहाँ से भाग गई। खैर लीजा उसे एक सीक्रेट रास्ते की चाबियां देती है। क्लेयर उस चाबी की मदद से एक सीक्रेट लिफ्ट में आ जाती है और फिर वो लियोन के साथ यहाँ से जाने लगती है। इधर जिल ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए क्रिस के पास पहुँच जाती है और वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने
मारने लगती हैं। अब केवल यहाँ वो दोनों ही बचे थे। जिल उसे बता देती है कि एल्बर्ट ने उन्हें धोखा दिया है। क्रिस ये सुनकर काफी गुस्सा होता है। जिल कहती है कि हमें भी उसके पीछे जाना होगा। यहाँ से निकलने का केवल वही एक रास्ता है। अब क्लेयर उस लिफ्ट से एक पुरानी लैब में पहुँचती है। वहाँ उन्हें एक प्रोजेक्टर मिलता है। क्लेयर उसे चलाती है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह डॉक्टर अनाथ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। क्लेयर को वहाँ बहुत से बच्चों की डिटेल्स पता चलती हैं, जिन्हें एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था। साथ ही यहाँ पता चलता है कि अम्ब्रेला कंपनी खुफिया तरीके से अनाथ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी और ये सब एक्सपेरिमेंट डॉक्टर विलियम के कंट्रोल में चल रहे थे। अब क्लेयर को वो डायरी देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उसे फाड़ देती है। वो कहती है कि हमें क्रिस को ढूंढना होगा। अब हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो अपनी लैब में से जी वायरस का सैंपल लेने आया था। वहाँ पर उसने एक लड़की को बांध कर रखा था जिसकी बॉडी को उन्होंने पूरी तरह खराब कर दिया था, लेकिन उन्होंने उस लड़की को अभी भी जिंदा रखा था। उस लड़की की कंडीशन देखकर विलियम की बेटी और वाइफ काफी डर जाती हैं। तभी वहाँ एल्बर्ट आ जाता है, यानी वो रास्ता सीधा उसे इस लैब में ले आया था। एल्बर्ट विलियम से वो जी वायरस का ब्रीफ केस मांगता है, लेकिन विलियम उसे देने से मना कर देता है। तभी एकदम से विलियम एल्बर्ट को शूट कर देता है, साथ ही एल्बर्ट भी उसे गन से शूट कर देता है। अब एल्बर्ट के ऊपर आर्मर था, इस वजह से वो बच जाता है, लेकिन विलियम यहाँ मरने लगता है। उसकी वाइफ और बेटी ये देखकर रोने लगती हैं। विलियम अपनी वाइफ से वो वायरस मांगने लगता है। उसकी वाइफ वो ब्रीफ केस उसके पास रख देती है और विलियम की गन लेकर एल्बर्ट को मारने लगती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसके सर में शूट कर देता है, इससे वो भी तुरंत ही मर जाती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर विलियम अपनी बॉडी में वो वायरस इंजेक्ट कर लेता है और उसकी बेटी यहाँ से बचकर छिप जाती है। एल्बर्ट को लगने लगता है कि अब विलियम की मौत हो गई है। वो ब्रीफ केस लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी विलियम की बेटी उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे शूट करने लगती है। एल्बर्ट उसे मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ जिल और क्रिस आ जाते हैं। जिल फौरन एल्बर्ट को शूट कर देती है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी। अब एल्बर्ट अपनी करनी पर पछताने लगता है। वो उनसे कहता है कि अम्ब्रेला कंपनी वाले इसे शहर को सुबह 6 बजे तबाह कर देंगे। इसके बाद वो उन्हें शहर की अंडरग्राउंड ट्रेन के बारे में बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुम ट्रेन के जरिए इस शहर से बाहर निकल जाओगे। वो उन्हें जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है और यह कहकर वो वहीं पर मर जाता है। फिर क्रिस जिल और विलियम की बेटी को लेकर ट्रेन की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि विलियम के वायरस इंजेक्ट करने की वजह से वो एक क्रीचर में बदलने लगा है। वो उनके पीछे लग जाता है। अब जिल उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन विलियम क्रिस के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो बचपन से ही उसे जानता था। वो क्रिस को पकड़कर उठा लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ क्लियर आ जाती है और उसे शूट करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने हाथ मेरे भाई से दूर रखो। फिर क्रिस खुद ही उसके सर में शूट करके उसे मार देता है। क्लेयर अपने भाई से मिलकर काफी खुश होती है। अब हम देखते हैं कि 6 बजने में केवल 5 मिनट बाकी थे। वो सब ट्रेन के पास आ जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि विलियम अभी मरा नहीं है, उसका दूसरा हाथ भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। इधर जिल किसी तरह ट्रेन को शुरू करके उसे चलाने लगती है। तभी 6 बज जाते हैं और उस मैंसन में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट पूरे शहर में फैलने लगता है और शहर तेजी के साथ तबाह होने लगता है। ट्रेन में विलियम एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बनकर आ जाता है और क्लेयर को पकड़ लेता है। फिर वो उसे मारने लगता है। अब क्लेयर के पास एक चाकू था, वो उसकी मदद से उस मॉन्स्टर की आंख को फोड़ देती है, जिससे वो क्लेयर को छोड़ देता है। अब क्रिस उस पर लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी वहाँ लियोन एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर आखिरकार मारा जाता है। अब कुछ ही देर में वो पूरा शहर भी तबाह हो जाता है, लेकिन ये सब अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, इस वजह से ये सब बच जाते हैं और आखिर में वो उस शहर से बाहर आ जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एल्बर्ट अभी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। वो एक थैली में से बाहर निकलता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो अब कुछ नहीं देख सकता, यानी अब वो अंधा हो गया है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे एक चश्मा देती है। एल्बर्ट उससे उसका नाम पूछने लगता है। इस पर वो लड़की उसे अपना नाम एडा वोंग बताती है। एल्बर्ट उसे पूछने लगता है कि वो उससे क्या चाहती है, और इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के सीक्वल आने के चांसेस तो हैं, पर कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, इसीलिए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।